ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं रत्नागर बाप के बच्चे रत्न तो हैं ही, लेकिन कौन सी श्रेणी के रत्न हैं? ये समझने के लिए इन महावाक्यों को ध्यान से सुनिए। बाप दादा ने कहा, तीन प्रकार के रत्न हैं। पहले नंबर पर हैं नूरे रत्न, दूसरे पर गले की माला के रत्न, और तीसरे नंबर पर हैं हाथों के कंगन के रत्न। फिर बाबा ने एक एक रत्न की विशेषता सुनाई। बाबा ने कहा, नूरे रत्न उन आत्माओं को कहेंगे जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखने में नहीं आता। फिर दूसरे नंबर पर हैं गले की माला के रत्न, उनके लिए बाबा ने कहा, जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन तो करते हैं, लेकिन जैसा पहले नंबर वालों के लिए सुनाया कि सदैव नैनों में बाप की याद और बाप की सूरत ही दिखाई दे, यह इन आत्माओं में थोड़ा कम होता है। ये सिर्फ गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसलिए गले की माला का रत्न बन जाते हैं। और तीसरे नंबर वालों के लिए बाबा ने कहा, जो आत्माएं किसी न किसी रूप से बाप के मददगार बनते हैं, वो है बाहों के कंगन के रत्न। तो अब हरेक अपने से पूछे, मैं कौन सा रत्न हूं, पहले नंबर वाला या दूसरे तीसरे नंबर वाला? और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।